अगर मैं आपसे एक लिस्ट बनाने को कहूं कि बताइए आप हर रोज कितने केमिकल्स खाते हैं, तो बता पाएंगे? रिसर्च के अनुसार इंसानी शरीर के अंदर 300 तरह के सिंथेटिक केमिकल्स पाए गए हैं। यहाँ तक कि पैदा होने से पहले ही कोख में ही बच्चों के शरीर में ये केमिकल्स पहुंच रहे हैं। पता है कैसे? अपनी केचप की बॉटल उठाइए और पीछे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़िए। आपको कई तरह के नंबर्स देखने को मिलेंगे और इनके आगे लिखा होगा एसिडिटी रेगुलेटर्स, स्टेबलाइजर्स, प्रेजर्वेटिव्स, थिकनर्स, सिंथेटिक फूड कलर। इसी तरह बिस्किट्स, चॉकलेट्स, चिप्स, ब्रेड, बेसिकली हर वो चीज़ जो पैकेट में आती है, हर उस चीज़ की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़िए तो आपको जवाब मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ ईशा, आप देख रहे हैं सेहत टॉक, और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सिंथेटिक केमिकल्स कैसे हमारी जान ले रहे हैं। समंदर में रहने वाली वेल हो, बर्फ में रहने वाले पोलर बेयर या हम इंसान, सब एक मुसीबत से गुजर रहे हैं, घटती फर्टिलिटी। और इन सब की वजह है हमारी आबोहवा, हमारे खाने में मौजूद वो केमिकल्स जो हमारे हार्मोन्स पर हमला कर रहे हैं और हमें कैंसर जैसी बीमारियां दे रहे हैं। 2012 में WHO ने एक रिपोर्ट में इन रसायनों के खतरों से हमें आगाह किया था। इन्हें एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स या EDC कहा जाता है। ये पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक हैं। इंसानी शरीर में कुछ 50 अलग अलग किस्म के हार्मोन्स होते हैं। कोई मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, कोई रिप्रोडक्शन में, तो कोई नींद में। शरीर ढंग से काम कर सके इसके लिए इन हार्मोन्स का ठीक से काम करना जरूरी होता है। EDC इनके काम में बाधा डालते हैं। वैज्ञानिक कुछ 1000 EDCs के बारे में जानते हैं। इनमें से एक है बिस्फेनॉल ए, जो कैश रजिस्टर रिसीट्स और खाने के कैंस की कोटिंग में इस्तेमाल होता है। दूसरे हैं PCDDs, ये प्लास्टिक की प्रोसेसिंग के दौरान पैदा होते हैं। ये केमिकल्स हमारी फूड चेन में और इस तरह से हमारे शरीर में दाखिल हो चुके हैं। और भी हैं थैलेट्स, ये भी प्लास्टिक में मौजूद होते हैं, खासकर बच्चों के खिलौनों में। थैलेट्स के बाद नंबर आता है पैराबेन्स का, जो कि कॉस्मेटिक्स में और हमारी टॉयलेट्रीज में मौजूद होते हैं। फिर हैं पेस्टिसाइड्स, इनमें भी EDC होते हैं। दूध के कार्टन, पैकेज्ड फूड की पैकेजिंग, क्लीनिंग एजेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, ये सब भी इन रसायनों से भरे हुए हैं। कई शोध ये साबित कर चुके हैं कि 1973 से 2011 के बीच पुरुषों में स्पर्म काउंट 52% घट चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सिर्फ लाइफस्टाइल में बदलाव इसकी वजह नहीं हो सकता। एग्जैक्टली किस केमिकल से कितना बुरा असर होता है ये कहना भी आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 2-4 EDCs के ही संपर्क में आ रहे हों। इसलिए अब कॉकटेल इफेक्ट पर रिसर्च हो रही है। इस रिसर्च में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के यूरिन में केमिकल्स मिले हैं और इनकी मात्रा सामान्य से 17 गुना ज्यादा पाई गई है। रिसर्चरों का मानना है कि इस वजह से लड़कियों में प्यूबर्टी 9 महीने पहले शुरू होने लगी है। गर्भवती महिलाओं पर भी इसका असर होता है और उनकी कोख में पल रहे बच्चों पर भी। रिसर्च में देखा गया है कि इन रसायनों के संपर्क में आने के कारण बच्चे बहुत देर में बोलना सीख पा रहे हैं। EDC का सबसे बुरा असर छोटे बच्चों और कोख में पल रहे भ्रूण पर पड़ता है। इनके संपर्क में आकर बच्चों को ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ती। फिर बारी है मोटापे और डायबिटीज की। लाइफस्टाइल और खराब डाइट इनकी दो बड़ी वजह मानी जाती हैं। लेकिन रिसर्च दिखा रही है कि EDC भी इनके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। तो फिर खुद को इनसे बचाएं कैसे? सबसे पहले तो खुद को प्लास्टिक से दूर रखें। दूसरा, कुछ भी खरीदने से पहले इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जरूर पढ़ें। वो खरीदें जिसमें कम से कम इंग्रेडिएंट्स हों। हाँ, ये काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने हार्मोन्स को बचाना है तो इतना तो करना ही होगा। उफ, ये हार्मोन्स। हम अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि पहले के ज़माने में ये बीमारियाँ नहीं हुआ करती थी, वो नहीं हुआ करता था। पहले प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी। खाना पूरी तरह घर पर बनता था। हमने अपने स्वाद और सुविधा के चक्कर में सिंथेटिक केमिकल्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया और अब इनसे निजात पाना नामुमकिन सा लगता है। फिर भी आप इनसे दूरी बनाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। आपके पास कुछ आइडियाज़ हों तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। नमस्कार।